हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कर्मी का साग। तो देखिए, इस तरह से ये साग होता है। इसका पत्ती ऐसा होता है। इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब इसे हम कट कर देंगे। देखिए, हम कट कर लिए हैं इसे। और इधर हम ले लिए हैं दो बड़े साइज का प्याज और लहसुन को भी बारीक कट कर लिए हैं। और ये है 3-4 हरी मिर्च, इसे भी हम कट कर लिए हैं। और ये है बड़ा साइज का एक टमाटर, जिसे रफली चॉप कर लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो ये हमने रख दिया है कढ़ाई को गैस के ऊपर। अब इसे हम ऑन कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, गर्म हो चुका है। इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। इसमें डाल दिए हम हरी मिर्च को। ये डाल दिए लहसुन। अब हम डाल दिए प्याज को। प्याज को फ्रेंड ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का इसका कलर चेंज होने तक भूनना है। देखिए तैयार हो चुका है। इतना ही हमको इसे भूनना था। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। थोड़ा देर इसे चलाएंगे। टमाटर को भी गलाना नहीं है ज्यादा। तो इसमें हम डाल देंगे साग। सारे साग को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। देखिए ये हल्का गल चुका है। अब इसे हम चला देंगे और चला के फिर से इसे ढक देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद इसे हम फिर से इसका ढक्कन हटाएं। तो ये देखिए, इस तरह से गल चुका है साग। बस इसे हमें चलाते रहना है और ढक ढक के पकाते रहना है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि ये जले ना। कुछ देर पकाने के बाद देखिए इसे हम चेक करते हैं कि हुआ या नहीं। देखिए ये सीज चुका है। थोड़ा देर और इसे रखेंगे। तो लगभग हो चुका है फ्रेंड। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं।